सरहद पार की सीमा का सच क्या? मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। शादी पर सीमा का दावा झूठा। और रही बात जो मेरे आन रूट की, तो मेरा जिस तक नेपाल तक मेरे पास सब कागज थे, पासपोर्ट था, वीजा था, सब कुछ थे। होटल में क्यों बताई गलत पहचान? उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। कुछ भी हमसे नहीं मांगा, हम फैमिली की तरह हो रखते थे हमें। भारत में एंट्री वाया दुबई क्यों? पाकिस्तान से दुबई, दुबई से जहाज में, बस जहाज ही बदला है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। पाकिस्तान से अवैध तरीके से आई महिला सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ के बाद जी मीडिया ने आज सबसे पहले सीमा से बात की। सीमा हैदर ने जी मीडिया पर एटीएस की पूछताछ को लेकर कई जवाब भी दिए, चाहे वो नेपाल से जुड़ा होटल का कनेक्शन हो या फिर बॉर्डर पार करने की पूरी कहानी, सबके जवाब सीमा ने दिए। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं, जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। मेरा सर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन तीन आधार कार्ड है, मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है। पाकिस्तान से बिना वीजा भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर, वो सीमा जिस पर शक उसकी हर बात से गहराता जा रहा है। एटीएस से पूछताछ हो चुकी है और सीमा जब घर पहुंची तब उसने जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद को लेकर किए जा रहे दावों को पूरी तरह से नकार दिया। इनमें से एक बड़ा दावा था नेपाल की थ्योरी का, उस होटल का जिसमें मार्च के महीने में सचिन और सीमा रुके थे। जी न्यूज की टीम जब सीमा के दावों की पड़ताल करने नेपाल पहुंची, तब उस होटल के मालिक ने बताया कि सीमा और सचिन फेक नाम का इस्तेमाल कर होटल में रुके थे। 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को, तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आए कि उन्होंने रूम बुक करवाए, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा थी, सीमा आई, तो वो लोग एक हफ्ते तक रुके और चलाए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया, उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे थे, तो रजिस्टर में मिल रहे थे। लेकिन सीमा ने इस दावे को पूरी तरह झूठा करार दे दिया। सीमा के मुताबिक होटल के मालिक को सीमा और सचिन का नाम अच्छे से पता था और वो उन दोनों को परिवार की तरह रखा करते थे। उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो किस मुझसे देखे, मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं, वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा, हाँ फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है, उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं, जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा, हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। सीमा और सचिन नेपाल के इसी होटल में ठहरे थे जहां पहले सचिन पहुंचा था और बाद में सीमा को अपनी पत्नी बताकर वहां 7 दिन बिताए थे। उन्होंने बोले थे कि हमको वो उनका बीवी है, तो उनका बीवी है, तो हम लोग ने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं किया, तो कस्टमर आके रूम में ठहरेगा तो हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते उनके साथ, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग भी होते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ। उन्होंने बोले कि हमारी बीवी है, तो हम भी सर ज़्यादा बात नहीं किया। तो वो जो दोनों लोग थे, सीमा और जो सचिन है, वो दोनों अकेले ही थे या बच्चे भी उनके साथ थे? नहीं नहीं, बच्चे नहीं थे सर, वो दोनों ही थे। बस हमको भी लगा कि वो लोग अभी नई नई शादी करके आए होंगे, तो हम लोग ने उनको कुछ डिस्टर्बिंग ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ पूछा भी नहीं ज्यादा। सीमा की थ्योरी को लेकर एक सवाल उसकी शादी पर थे, जहां सीमा शुरुआत से दावा करती है कि उनकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई थी, जबकि सच्चाई ये है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां होती ही नहीं। इस पर भी सीमा का कहना है कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी।
इन्होंने मुझे हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अभी वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं, तब तो हमें किसी ने मना, हम पशुपतिनाथ ही गए थे तो तब हमें किसी ने मना नहीं करा था, क्योंकि उन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ किया, तो किसी ने हमें मना ना करा था। अब ये कह रहे हैं कि हाँ इजाजत नहीं है, हम पूरा मंदिर घूमे। इसके अलावा सीमा ने ये भी कहा कि उनके पास कई पहचान पत्र और मोबाइल होने की जो भी बातें कही जा रही हैं, वो सब सरासर झूठी हैं। सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन तीन वो आधार कार्ड है, मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था, सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे। सीमा जो कि पहले पाकिस्तान से निकली और फिर दुबई के रास्ते नेपाल और फिर नेपाल से भारत में दाखिल हुई, उसने इस पूरे रास्ते में किसी की मदद मिलने से भी पूरी तरह से इनकार कर दिया। जितना मुझे मुश्किल बताया जा रहा है, सीमा ने कैसे करा, इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि गाड़ी से बैठ के गाड़ी में ही बैठना था। और जो टिकट की बात है, तो आजकल तो अंधा भी कहते हैं हमारे पाकिस्तान में ऐसी माहौल आता है कि अंधा भी मुल्तान ढूंढ लेता है। फिर मैं तो, मेरे पास आंखें भी थी तो मैं आ गई, और इतना मुश्किल नहीं था जितना बता रहे कि सीमा दुबई गई। दुबई में मेरा कोई काम नहीं था, टिकट ऐसी मिली थी कि वहाँ से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से जहाज़ में, बस जहाज ही बदला है, वहाँ से फ्लाई दुबई, दूसरे फ्लाई दुबई में बैठ के मैं नेपाल आई। इसका ये कोई मतलब नहीं कि सीमा दुबई क्यों गई, दुबई में क्या वगैरह, दुबई का तो जिक्र ही ना होना चाहिए, क्योंकि दुबई तो मैं सिर्फ वहाँ टिकट में ऐसा था। सीमा ने ये भी कहा कि जब उनसे नेपाल की सीमा पर पूछताछ हुई, तब उसने अपनी पाकिस्तानी पहचान छिपाकर सचिन को पति बताया। मैंने पाकिस्तानी बताई नहीं थी, मुझसे वाके पूछा गया था, तो मैं सचिन की पत्नी थी, मैंने अपने पति का ही नाम लिया कि मेरे पति हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, क्योंकि मेरे पति हैं। सीमा के जो भी दावे हैं, उस पर हर बयान से सवाल उठते हैं। बारी अब सीमा का पूरा सच बाहर आने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।